मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में नौकरी का झांसा देकर पैसा हड़पने वाले कॉल सेंटर को पुलिस ने पकड़ा। आपको बता चलेंगे, बरेली के थाना बारादरी पुलिस ने छापा मारकर कॉल सेंटर को पकड़ लिया। इस कॉल सेंटर में नौकरी का झांसा देकर पैसे हड़पने का खेल चल रहा था। पुलिस ने यहाँ से 12 लड़कियों को पकड़ा है, जो लोग फोन करके उनसे पैसों को अकाउंट में ट्रांसफर करवाती थी। वारादरी क्षेत्र के बिसलपुर चौराहे के पास बने इस कॉल सेंटर में पिछले एक महीने से लोगों से धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने का खेल चल रहा था। इस कॉल सेंटर की यह लड़कियां लोगों से नौकरी का झांसा देती थी, उसके बाद नौकरी लग गई तो यह कहकर लोगों से अपने अकाउंट में पैसे डलवा रही करती थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मिलने पर छापा मारकर इस गुरोह को भंडाफोड़ किया। वारादरी इंस्पेक्टर सीतांग शर्मा ने बताया कि उनको मुखबिर के जरिए सूचना मिली, इस नौकरी का झांसा देकर पैसा हड़पने का लेकर धंधा चल रहा था। उन्होंने कॉल सेंटर पर छापा मारकर जब 25 मोबाइल, 2 लैपटॉप, काफ़ी सिम बरामद किए। उन्होंने बताया कि यह लोग पूरे भारत में जाल बिछाए हुए हैं। हर प्रदेश में लोगों को फ़ोन कर नौकरी का झांसा देकर उन्हें अकाउंट में पैसे डलवा रहे हैं। यह सारा धंधा किसी प्रशांत नाम के व्यक्ति के अंडर में चल रहा था। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पुलिस अभी मामले की छानबीन में जुटी हुई है। किस तरीके से सूचना मिली और कितने लोग पकड़े गए, क्या क्या बरामद किए? बारदरी थाना में बीतरपुर चौराहे पे हमें सूचना मिली कि फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है। उस सूचना पे हमने वहाँ जाके छापा मारा तो देखा 12 लड़कियाँ और तमाम फोन्स और आईडीज और सिम्स, काफ़ी सिम्स, और हमें उसके उसके naukri.com के वो भी मिले लेटर हेड, ईमेल, हमने आईडी निकाली। इस कॉल सेंटर से कई हमें नंबर भी मिले, जिसे जो कॉल सेंटर वाले काम करते थे वो कॉल्स करते थे कि आपकी नौकरी लग गई है, और आपने ईमेल आईडी देते थे, उनसे अपना बायोडाटा मंगवाते थे, फिर उन्हें एक ईमेल आईडी भेजते थे कि आप इस ईमेल पे इस पे सेविंग अकाउंट पे अपने पैसे भेज दीजिए, और फिर कहते थे पैसे वापस। किस तरीके से करके फॉर्जरी करके ये लोग काफ़ी लोगों से चीटिंग कर रहे थे और पैसा ठग रहे थे। इसका मास्टरमाइंड कौन निकल गया है अब तक की जांच में क्या निकल गया सामने, कौन मास्टरमाइंड था, कौन इन लोगों को नौकरी पर रखा हुआ है? इनका जो कॉल सेंटर का जो प्रशांत करके आया है, जिसका भी हम देख रहे हैं, वो वहाँ से भाग गया था। बाकी अभी हम कोशिश कर रहे हैं इसे पकड़ने की तरह आगे की कार्रवाई करने की। कितने टाइम से कॉल सेंटर चला रहे थे इस तरीके से, कितने लोगों को इन्होंने अभी तक फ्रॉड किया? अभी तक की जांच में आया है, काफ़ी हमें इसमें लेटर वो मिले, जो जांच का एक विवेचना का विषय है, इसमें काफ़ी कागज मिले, जिसमें कई लोग ऑल ओवर इंडिया ये फ़ोन कर रहे थे, तमिलनाडु, उड़ीसा, कोचीन, मतलब ऑल ओवर इंडिया ये कॉल्स कर रहे थे, उन लोगों से अपने अकाउंट्स ले, तो अकाउंट नंबर भी मिले, उनके हम डिटेल्स दे रहे हैं। जो लड़कियाँ पकड़ी गई, क्या बाहर की भी उसमें? सब बरेली की लोकल लड़कियाँ हैं, वो एक पेड में भी थी, प्लस जो जितने भी आते थे उसके हिसाब से उनका पेड भी थे, कितने कॉल सेंटर में पैसे जो आते ट्रांसफर होते थे उस हिसाब से भी इनको कमीशन बना हुआ। कितने टाइम से ये कहते हैं ये काम कर रहे थे? अभी तो अभी तक की जो पता चला एक महीने, करीब एक महीने से चल रहा था। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।